है व्हाट्सअप गाइस मेरा नाम है कुमरदीप सिंह और मैं डी यू एल एल बी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा एक ये यूट्यूब चैनल है गैरी अमृत सरिया तो प्लीज़ आप इसे पहले तो सब्सक्राइब करें मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल उससे पहले हम आगे उस, उसके बाद हम वीडियो आगे शुरू करते हैं मतलब बहुत ज़्यादा वेट थी हम सबको यार कि कब प्रोविजनल आंसर की आएगी और प्रोसेस आगे बढ़ेगा एडमिशन होगी और बाकी सब चीज़ें इनफैक्ट मैं खुद भी यार और बाकी सब भी हम सब वेट कर रहे हैं कि कब ये प्रोसेस एडमिशन का आगे बढ़े आंसर की तो आ गई प्रोविजनल आंसर की आ गई और तभी आई जब हम सब ने एक्सपेक्ट की थी या जो गेस्ट या वो डेट थी और उसी डेट को आंसर की आई लेकिन अब एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है रिस्पॉन्स शीट की रिस्पॉन्स शीट पहले तो बहुत सारे लोगों की खुली ही नहीं आ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो कि हुआ जो जो सबके साथ हुआ आ, आप अकेले नहीं है उस चीज़ में सबके साथ हुआ पहले तो आंसर की ही बहुत लोगों की ओपन नहीं हुई इसीलिए मैंने पिछली से पिछली वीडियो में वो नीचे गूगल गूगल ड्राइव का लिंक डाल दिया था ताकि आप सब वहाँ से आंसर की जो है वो डाउनलोड कर सकें उसके बाद साइट क्रैश कर जाती है प्लीज़ इन सब चीज़ों की आप आदत डाल लें आप वेलकम टू डी अब आप डी में साइट क्रैश हो सकती है एन की साइट क्रैश हो सकती है इनफैक्ट जब आपका रिजल्ट आएगा मार्क्स आएंगे रैंक आएगा उसमें भी हो सकती है ये सेम चीज़ कि आपको नहीं देखेगा कुछ लोगों को देख जाएगा साइट क्रैश हो जाएगी अगले दिन देखेगा तो ये सब चीज़ों की आदत आप प्लीज़ डाल के रखें अभी से अब या, अब अब जो मेन प्रॉब्लम आई वो ये आई पहले कुछ लोगों को रिस्पॉन्स शीट दिखी भी यस ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने अपनी रिस्पॉन्स शीट देखी लेकिन कुछ लोगों को रिस्पॉन्स शीट बिल्कुल भी शो नहीं हुई फर्स्ट डे से शो नहीं हुई uh, उसके बाद अब अब क्या प्रोसीजर है मतलब मैं बात कर रहा हूँ अब अब कहने का मतलब ये है कि एलैंथ नवंबर मतलब चैलेंज करने की जो लास्ट डेट थी उसके बाद अब क्या पोर्टल पर मतलब एन की साइड पर दिखा रहा है वो हम जरा खुद ही देख लेते हैं कि एन की साइड पर क्या हो रहा है तो ये कुछ ऐसे दोस्तों एन की साइट खोल जाती है जो कि क्योंकि उस, तो उस दिन भी जो हमारा यही प्रोसीजर था जो प्रोविजनल आंसर की यहाँ पे हमने रीड मोर पे क्लिक किया था इसके बाद ये जो लिंक था यही लिंक पे आज भी क्लिक करना अब ऐसा कुछ फॉर्म और ऐसा कुछ कैंडिडेट लॉगिन जो है वो ऑप्शन आ जाती है यहीं से आपकी रिस्पॉन्स शीट और यहीं से आपका सब कुछ खुलना है और खुल भी रहा था जब खुला था जिन लोगों को खुला है जिन लोगों को नहीं खुला वो भी सब कुछ यहीं से होना है तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहां पे जैसे ही हम फॉर्म भरते हैं एक मिनट मैं अभी जरा फॉर्म नंबर भर लू तो ये कुछ ऐसा मैं फॉर्म भर रहा हूं जो कि ऑफकोर्स मैं अभी दिखा नहीं सकता आपको जैसे ही हम लॉग इन करें सबसे ऊपर ऑप्शन आती है प्लीज इनवेले क्रीडेंशियल्स अगर आपको ये ऑप्शन अभी आ रही है तो आप पहले तो ये चीज समझे कि आप अकेले नहीं है इस चीज में सबको यही ऑप्शन आ रही है सबको यही दिखा रहा है और सबका लॉग नहीं हो पा रहा इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं क्योंकि जिन लोगों के शीट नहीं ओपन हुई तो हो सकता है कि डी वो वो चीज ठीक कर रहा हो दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि अब सीधा आपका यू you नो know, आपकी मार्कशीट और मतलब मार्कशीट नहीं कह रहा मतलब आपका जो रिजल्ट और वो सब चीजें ही स्कोर कार्ड जो है वो वही अपलोड कर दे क्योंकि अब तो सीधा वही आएगा अब और कुछ नहीं होने वाला और आपकी चैलेंज करने की डेट भी निकल चुकी है जो कि इलेवंथ नवंबर पांच बजे तक थी तो अब तो चैलेंज भी नहीं कुछ करना तो सबके साथ दोस्तों यही हो रहा है सबका यही दिखा रहा है किसी को शीट नहीं दिखा रही किसी को कुछ नहीं दिखा रहा और अगर इसके अलावा किसी को भी कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है मतलब हो सकता है कि बहुत गलत ही कोई कोई चीज शो कर रही हो या किसी को लग रहा है कि बहुत ही बहुत ही उसके साथ यू नो गलत दिखा रहा है और वैसे कोई चीज है तो मैं आपको आपको ईमेल बता दूंगा डी की या आपको जो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ पे आप मेल कर सकते हैं डी का नंबर भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट यू नो आप आपको जो भी प्रॉब्लम आप कह सकते हैं ई कर सकते हैं आंसर आना तो मैं नहीं कह सकता कि आपको हंड्रेड रिप्लाई बैक आएगा लेकिन आप कर लें एक बार कर करके देख लें बाकी एक चीज़ की गारंटी आपको मैं हंड्रेड देता हूँ दोस्तों कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत या आपका कुछ मिस आउट नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा इस चीज़ की गारंटी है हो सकता है कि ये टेक्निकल इश्यूज़ जो हैं वो चलते रहते हैं हर साल होते हैं हर बार होता है तो इसमें कोई बहुत पैनिक करने वाली ज़रूरत नहीं है मुझे पता है फर्स्ट डे बहुत सब ने बहुत ज़्यादा लोगों ने आप स्टूडेंट्स ने मतलब बहुत पैनिक की और बहुत सब चीज़ें की लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है कोई पैनिक करने से कोई मतलब नहीं है आपको सब कुछ मिलेगा रिस्पॉन्सिप भी मिलेगी सब चीज़ें होंगी आपकी जो फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा वो सब आ जाएगा बस थोड़ा सा पेशेंस रखें अब मुझे पता है कि पेशेंस रखना बहुत मुश्किल है वो भी इस स्टेज पे लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है यार मतलब कि हमें यही करना पड़ेगा और हम कर भी क्या सकते हैं तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखें आपका स्कोर आपका स्कोर कार्ड भी आ जाएगा आपकी आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी आपकी हर चीज़ भी आ जाएगी और आपका यू you नो know, आपका वहाँ रिस्पॉन्स शीट भी आ जाएगी ठीक है बाकी चैलेंज तो अब देखो कर ही नहीं सकते आपको उसका कोई फ़ायदा ही नहीं तो उस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि चैलेंज की जो डेट थी वो निकल चुकी है ग्यारह नवंबर तक की थी पाँच बजे तक तो वो तो निकल चुकी है तो उसके बारे में कोई बात करने की ज़रूर है तो और बहुत बड़ा क्वेश्चन जो उस दिन भी बहुत ज़्यादा आपने कमेंट किया और आप डी में पूछ रहे थे कि क्या सबको नाइन्टी फाइव क्वेश्चन इशो हो रहे हैं यासकॉर्स नाइन्टी फाइव क्वेश्चन इश्यू हो रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि अगर आप सही से आंसर की को वो पी डी आंसर की का उसे सही से देखेंगे तो वो ऊपर इंग्लिश इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें उसमें पाँच क्वेश्चन उसमें है और नीचे आते आते वो नाइन्टी फाइव है तो सबको नाइन्टी फाइव ही शो हो रहे हैं आपकी आंसर की में कोई प्रॉब्लम नहीं है सारे के सारे नाइन्टी फाइव क्वेश्चन शो हो रहे हैं मतलब वो नंबरिंग जो है तो वो सबको नाइन्टी फाइव ही हो रही है आपको डरने की कोई बात नहीं है इसमें बहुत सारे दोस्तों आप में से ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने मार्क कुछ और किया था शीट में शायद कुछ और आया या उन्होंने उन्होंने कुछ और वहाँ पे असली असली पेपर में कुछ और किया था या उनके स्कोर्स डाउन आ रहे हैं या कुछ ऐसे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत यूनिक है और आपको आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से बात करनी चाहिए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो उसका प्रोसेस भी मैं आपको अभी वीडियो में समझा देता हूँ तो जैसे कहीं से आप डी यू का पी पोर्टल ओपन करेंगे Uh, जितने भी मार्क्स अपडेशन थे ये ये जो पीजी एडमिशन पोर्टल है जितने भी मार्क सब्डेशन थे या कोई भी जो भी प्रोसेस था सेंटर सेंटर चेंज करने की प्रेफरेंस थी या कुछ भी था वो सब इसी पोर्टल पे था गाइज और इस पोर्टल का पासवर्ड ईमेल बहुत अच्छी तरह प्लीज अपने पास रखना हमेशा क्योंकि यहीं पर आपको अपनी फीस सबमिट करनी है यहीं पर आपको इन फ्यूचर जाके भी आपको बहुत सारी चीजें आपको काम आएंगी आपकी फीस लेप आपको बहुत कुछ इस पोर्टल से ही सब कुछ मिलना है सो प्लीज इसका पासवर्ड कहीं पे भी खोना मत और हमेशा इसे चेक करते रहना जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था ब्लॉग में कि इसे प्लीज इसको ओपन करते रहना जो भी आएगा इसी पोर्टल में आपको सब कुछ मिलेगा आपके बारे में चाहे वो मार्क्स अपडेशन हो गया चाहे वो आपका सेंटर चेंज हो गया चाहे कुछ भी होगा वो इसी में होगा तो जैसे आप पीजी पोर्टल खोलेंगे आपको लॉग नहीं करना आपको ये लिंक पर क्लिक करना जो यहाँ पे दिया गया ठीक है जैसे हम ये लिंक को क्लिक करेंगे तो ऐसे ये यूनिवर्सिटी ऑफ डेली की एक साइट खुल जाएगी साइट खोलते ही नीचे ऑप्शन आएगी हेल्प डेस्क तो हेल्प डेस्क के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसे कुछ वेब पेज खुल जाएगा ग्रेजुएट्स वाले सारे यहाँ मतलब अंडर ग्रेजुएट्स वाले यहाँ सारे को देख सकते हैं अपना लेकिन हमें अभी पोस्ट ग्रेजुएट वाली क्योंकि हम एल एल बी पोस्ट ग्रेजुएट में कंसिडर की जाती है डी यू में थ्री ईयर एल एल बी तो तब हम इन चीजों पर अपनी ई मेल कर सकते हैं राइट टू पीजी एट द रेट ऑफ एडमिशन डॉट डी यू डॉट ए सी डॉट इन अपनी सारी क्वेरीज आप कर सकते हैं यहाँ पे उसके बाद अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो ये दो नंबर्स दिए गए हैं और उन सब के बारे में आप कॉल भी कर सकते हैं एक बार इन्हें पूछ सकते हैं और भी के प्रॉब्लम है ऐसा है जो भी आप कहना चाहें आप सब कर सकते हैं आप इन्हें कॉल कर सकते हैं अब ये आपकी किस्मत के ऊपर है कि उन्होंने कॉल उठा कि आपकी की के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की कि नहीं की इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता यार लेकिन हाँ आप करें जरूर ट्राई करते रहने एक बारी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज अगर आप हेल्प डेस्क और ज्यादा डीप जाके आप अपनी हेल्प डेस्क यू नो अपने बात करना चाहते हैं तो फिर ये सब नंबर्स दिए गए हैं लेकिन इतना कोई इतना कुछ करने की जरूरत कुछ भी नहीं है किसी को कुछ नहीं है वो जो भी है वो सब अभी डी टाइम ले रहा है टेक्निकल इशू कह लो कुछ कह लो वो सब डी अपना टाइम ले रहा है और अभी कर देगा सब सॉल्व कर देगा आपको किसी चीज की वरी करने की जरूरत है किसी की भी ना रिस्पॉन्स शीट की ना मार्कशीट की ना स्कोर कार्ड की ना किसी भी ना कट ऑफ की ना कुछ और सब हो जाएगा पर तब भी ये मैं आपको एक एक वे बता रहा हूं कि अगर आप करना ही चाहते हैं और आपको एक सोल्यूशन ही चाहिए तो फिर आपको यही सब कुछ मिल जाएगा आप अपने लैपटॉप पे या अपने पीसी पे या मोबाइल पे ये खोल के आप देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट ई मेल कर दे उन्हें जो भी आपकी प्रॉब्लम है या कॉल कर ले है ना तो जैसे भी होगा आप कर सकते हैं कि गईज़ आपको और कोई भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी और चाहिए हो है ना तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे लिखते हैं मैं आपका कोशिश करता हूँ आपकी हर कोईरी को सॉल्व करने के जो भी बल्क में कोईरीज आ रही होती हैं सबसे पहले मैं उन्हें कर देता हूँ और बाकी बाकियों को भी धीरे धीरे मैं कर दूँगा बहुत ज़्यादा मुझे पता है अब आप दिल्ली आएंगे आपकी एडमिशन होगी और पी की ज़रूरत पड़ेगी रहने की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में आप जानना चाहते हैं मंथली एक्सपेंसेस के बारे में जानना चाहते हैं मैं हर एक चीज़ की डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा लेकिन अभी वो सही टाइम नहीं है क्योंकि अभी आप एक बार एडमिशन हो जाए एक बार फर्स्ट कट ऑफ आ जाए वो सब चीज़ें आ जाए उसके बारे में भी आपको मैं सब कुछ बता दूँगा आप बिल्कुल बरी ना करें और और कोई आपकी कोई क्वेरी हो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे खाना नीचे लिख दें कमेंट सेक्शन में बाकी बस इस वीडियो के लिए यही रखते हैं दोस्तों अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक करके जाना प्लीज़ शो सम सपोर्ट और सब्सक्राइब टू तो गैर यू इचरिया मैं हाज़िर हूँ आपके लिए है ना जो भी आपको चाहिए मैं पूरा कोशिश करता हूँ आपको मैं प्रोवाइड कर सभी अपने एसप्रेंड्स के साथ सभी दोस्तों के साथ सबके साथ आप शेयर कर सकते हैं ब्लॉग्स बनाता हूँ बहुत मेहनत लगती है यार व्लाग्स बनाने में और बहुत मतलब यू you नो know, हर चीज़ में बहुत दिल से बनाए बनाता हूँ वो ब्लॉग्स भी बहुत दिल से बनाते हैं हम तो आप प्लीज़ उन ब्लाग्स को भी देखें पूरी एक प्लेलिस्ट है पूरी एक वीडियोस है बहुत ज़्यादा अब तो वैसे भी अब हंड्रेड प्लस वीडियोज़ बना चुके हैं तो पूरी एक, पूरा पूरा प्ले लिस्ट बनी हुई है सब कुछ है तो आप प्लीज़ ब्लॉग्स को भी देखें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें लाइक करें <laughs> सब करें। और कुछ प्रॉब्लम हो तो वही बता देना डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो आ, अगली से अगली या अगली वीडियो डॉक्यूमेंट्स वाली होगी क्योंकि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए पूरी डिटेल में डिस्कस करूँगा तो और और जिन लोगों का भी इस बार नहीं हो पा रहा ऐसा उन्हें लग रहा है कि नहीं हो पा रहा कि वो बिल्कुल भी दिल अपना यू you नो know, बिल्कुल अपना हल्का दिल ना करें या फिर वो बिल्कुल भी उदास ना हो वो बिल्कुल हार्ट ब्रोकन ना हो यार कुछ नहीं होता इसमें इसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम था यार एक एक एंट्रेंस का एग्ज़ाम था कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी दिक्कत नहीं है या तो आप किसी और में एडमिशन ले लें एल ले तो ले। ले सब ने कर ही लेनी है लॉयर सब ने बन ही जाना है या तो आप किसी और में ले लें ले एडमिशन नहीं लेनी तो कोई बात नहीं यार ये रहा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री तो अब फिर से वैसे भी क्या एक मंथ तो रहेगा गया ट्वेंटी थ्री शुरू होने में ये सामने रहा ट्वेंटी थ्री तैयारी अभी से शुरू कर दें ट्वेंटी थ्री के एग्जाम ऑफकोर्स आप क्लियर कर ही जाएंगे तो इतना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है पूरा दिल रखें खुश रहें कुछ कुछ दिक्कत नहीं है ये तो अब कुछ कह नहीं सकते है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अभी आप ये ना सोचें कि आप रह गए ये आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं Uh, जो फाइनल मार्कशीट आता है स्कोर कार्ड आता है उसमें बहुत डिफरेंस हो सकता है मतलब जो आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरे इतने सही हैं इतने गलत हैं और मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं फाइनल स्कोर कार्ड में बहुत डिफरेंस हो सकता है बहुत ज़्यादा कभी कभी तो काफ़ी नंबरों का कभी कभी नहीं भी हो सकता है कभी कभी कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर बढ़ते ही हैं सबके तो प्लीज़ अभी आप इतनी पैनिक मत करें इतनी टेंशन मत लें मैं सबको यही एडवाइस कर रहा हूँ सबको यही कह रहा हूँ कि फ़ाइनल स्कोर कार्ड ज़रूर देखें फिर आप डिसाइड करें कि आपका रैंक आ सकता है कि नहीं आ सकता अभी कुछ भी नहीं कह सकते हो सकता है आपके दस नंबर बढ़ जाए बीस नंबर बढ़ जाए तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते वेट करें स्कोर कार्ड का उसके बाद फिर आप डिसाइड करना कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा तो बाय बाय ख्याल रखें और बाकी कोई मेरे लाइक काम हो तो आप प्लीज़ मुझे बता देना आप मुझे मेक श्योर sure, आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे कोवर अंड्रेस को जीरो एट जीरो एट आप मुझे वहाँ पे सारे मैसेज कर सकते हैं डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे और बाकी YouTube पे कमेंट तो आप कभी भी कर ही सकते हैं और ज़्यादा अगर आप यू you नो know, कुछ चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं नीचे ज्वाइन की ऑप्शन आ रही होगी तो वहाँ पे अपने मेंबर्स के साथ मैं एक लाइव चैट और लाइव सब चीज़ें लाइव स्ट्रीमिंग और वो सब ऑप्शन आपको देता हूँ तो आप वहाँ से मेम्बरशिप भी ले सकते हैं तो इस वीडियो पर लेते ही रखते हैं बाय बाय <laughs> ख्याल रखें अपना ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिज़ल्ट क्योंकि अभी फ़ाइनल रिज़ल्ट आना है बाय